आरोपी है रवि गुर्जर, जो कि बिरखड़ी ग्राम गोहा चौराहा और ग्वालियर के पिंटू पार्क का रहने वाला है। ये इसने मेरा कुछ दिनों के बाद जब इसको पता चला कि मैडम मेरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैडम मुझे पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, तो इसका मेरे पास फोन आया एक दिन। अब मुझे नहीं पता इसने मेरा नंबर कहाँ से लिया, किसने दिया, तो उसने मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया, मैडम आप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मतलब शुरू शुरू में ये ऐसी बात कर रहा था, जब बहुत ज्यादा दिन हो गए, अब जब हम फाइनली इसकी साइबर से लोकेशन निकालने लगे, 20 दिन हो चुके थे ये अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा था, तो हम जब साइबर से इसकी लोकेशन निकालने लगे तो ये कभी भिंड आ रहा था इसका लोकेशन, कभी ग्वालियर आ रहा था। कुछ दिनों बाद ये मुझे लगातार व्हाट्सएप पर मैसेजेस करने लगा कि मैडम मुझे आपसे बात करनी है, मैं यहाँ 8 दिन से हूँ भिंड में, आप मुझे पकड़ नहीं पा रही हैं, मैं 4 दिन और भिंड में रहूँगा और अगर पकड़ सकना है तो इन्हीं दिनों में पकड़ लो, वरना मैंने वीजा पासपोर्ट सब बनवा लिया है, मैं घर बार छोड़ के चला जाऊँगा। मुझे एक चीज पता चल गई थी कि उसके पास बोलेरो है, बोलेरो उसने रेत की खदान में लगा के रखी है, जिससे जो भी किराया आता है वो उसको अपना इनकम करता है, उससे वो घर चला रहा, जिनमें निर्वाह कर रहा था अपना। तो वो अब ये चीज हो गई थी कि हाँ अब हमें ये पकड़ना है तब जाके ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके घर वालों को प्रेशराइज करके दबाव बनाकर भी कुछ हाथ नहीं आ रहा था। हम लगातार इसके घर वालों पर प्रेशर डाल रहे थे कि बताओ लड़का कहाँ है तुम्हारा, ये नहीं बता रहे थे। और लड़के को यानी रवि को भी पता था कि मैडम जी मेरे घर वालों को भी परेशान कर रही है, मैडम लगातार पूछताछ कर रही, उसके बावजूद भी ये नहीं आ रहा था। तो मुझे वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी कर रहा था कि आप मेरे घर वालों को उठा के उनको परेशान करके भी क्या कर लोगी, मैंने घर बार सब छोड़ दिया है, आप मुझे पकड़ के दिखाओ। तो धमकी भी देता था क्या? धमकी मैंने ऐसे ही देता था कि पकड़ के दिखाओ, चैलेंज, धमकी नहीं, चैलेंज, हाँ कि मुझे मार देगा, इस टाइप का तो उसने कुछ नहीं किया। मैडम जी आप मुझे बस पकड़ के दिखाओ, मैडम जी आप मुझे बस पकड़ के दिखाओ, आपने इतनी ताकत है, इतनी दम है, आपकी पुलिस में इतनी दम है, तो आप मुझे पकड़ के दिखाइए बस। बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप लोकेशन भी डाली है उसने, फाइनली हमारे हाथ में आ गया वो। तो क्या फिर बोला, क्या बात हुई फिर उसकी बाद में पकड़ा गया तो? सबसे पहले तो मैंने उससे यही पूछा था कि तुझे मेरा नंबर कैसे मिला, तो उसने मुझे बताया था कि मैडम वो तो मिल गया, बस लोगों के थ्रू मिल गया, इतनी तो मेरी पहुंच है, मैंने ऐसा वो स्टाइल में बोल रहा था, मिल गया। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम आ क्यों नहीं रहे थे? मैडम मेरे को डर लग रहा था ना, फालतू की बातें जो हर आरोपी करता है। तो जेल गया? हाँ जेल में है वो, और अभी इन्वेस्टिगेशन उसका चल ही रहा है।